हेलो एवरीवन, आज के व्लॉग के दो किरदार होने वाले हैं। पहला नितिन भाई, जो कि आज के व्लॉग में हमारा कुछ सिनेमैटिक शॉर्ट्स बनाने में हमारी मदद करेंगे, और दूसरा आपका भाई अमित। तो गाइस चलते हैं, आज के व्लॉग को करते हैं शुरू। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, आज बताएंगे नहीं, सीधा दिखाएंगे। तो लेट्स, और जैसे ही हमारी एंट्री किशन बाग पैलेस के अंदर होती है तो नज़ारा कुछ देखने लायक होता है। आइए आप लोगों को भी दिखाते हैं कुछ हमारे अंदाज में। हम पहुंच चुके हैं किशन बाग पैलेस, पीछे जी भैया और मैं और नितिन भैया यहाँ पर आ चुके हैं। और अब जो है एंट्री हमारी इस पार्क के अंदर हो चुकी है, अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। और आप लोगों को यार काफ़ी दिन हो गए, हम लोगों ने वैसे भी ट्रैवलिंग वीडियो शूट नहीं किए इतने दिन हो गए, और जब से ये गिम्बल लगा ना जितनी बार भी जाता हूँ ना पहले इसको चेक कराना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कैमरे वगैरह अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको चेक करवा पर वहाँ पर, और उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री ले ली है। और फिर अब जो है आगे जाएंगे, उसके बाद में आप लोगों को सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह दिखाने की काफ़ी कोशिश करूंगा, क्योंकि यार कैमरा जो है यहाँ पर अलाउ नहीं है, और मैं वैसे लेके भी नहीं आया था, और वैसे हमने बुक कर रखा है कैमरा, देखते हैं कब तक आता है। यार 5000 रुपये कैमरे का चार्ज है यहाँ पर, तो मुझे लाते हुए काफ़ी दुख होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जब हमारी कैपेसिटी हो जाएगी तो 5000 भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यार जैसे जैसे आगे चल रहे हैं काफ़ी मज़ा आ रहा है घूमने में, और मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब नाइस पहले से यार ऐसी, मतलब बारिश के टाइम पर इतनी हरियाली देखने को मिलती है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है हमारे को भी, और आप लोगों को भी देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और आज जो है ट्रैवलिंग व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा, और मुझे इतना एक्साइटमेंट है ना, इतने दिनों के बाद जो मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को। यहाँ पर देख सकते हो आप डॉग के पेड़ यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना आराम से। गाइस ये है दो का पेड़, और मुझे यार इसका हरा कलर अच्छा नहीं लग रहा है, चलो इसका कलर चेंज कर दें, अब लग रहा है ना अच्छा। वापस धूप हो चुकी है, खतरनाक वाली धूप, और फाइनली वैसा का वैसा सीन हो चुका है जैसे सुबह आए थे। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं यहाँ पर, और आप लोग पीछे देख रहे हैं कितना ऊपर आया। आप लोग को बता दूँ कि पहले है ना ये एक रेगिस्तान था, लेकिन अपनी जो इंडिया की जो कला है ना कला, उसने इसको बदल। तो गाइस फाइनल आगे बढ़ रहे हैं, और आप देख सकते हो हमारे ऊपर क्या शानदार यहाँ पर छतरी बनी हुई है, पुरानी चीज़ों की लकड़ियों से बनी हुई है, और यहाँ पर कभी छाँव कभी धूप, मैं चाहता हूँ कि छाँव रहे यार, क्योंकि यार धूप में हीट वगैरह हो जाती है और हमें बहुत परेशानी हो रही है। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, चट्टानों में गुदे पौधे, वाह यार इतने दिन साइंस की बुक में देखा था, आज रियल में आप लोगों को दिखाऊँगा चट्टानों में उगते हुए पौधे। So we are going ahead and देखते हैं क्या सीन होता आगे। काफ़ी अच्छा जो है मौसम हो चुका है अब, और धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज ऑफ माइक नहीं है, और हवा भी काफ़ी चल रही है। और अब हम ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर कि एक तरफ जाकर ये ख़त्म हो जाता है, आप लोगों को दिखाते हैं वैसे वहाँ तक है ना, ये बहुत लंबा है, ये एक फोटोशूट के लिए एक स्थान बना रखा है जहाँ पर लोग फोटो खिंचवाते हैं, जाएंगे चारों तरफ प्रकृति का नज़ारा मिलेगा हरियाली के लिए। मैं बोलता हूँ ना अगर आप यहाँ पर घूमे आओ ना, तो काफ़ी है ना मतलब बारिश के टाइम में आना, क्योंकि है ना बारिश के टाइम में ही आप लोगों को यहाँ पर हरियाली देखने को मिलेगी, वरना सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे और आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। आप लोगों को पीछे दिखाता हूँ यार, बहुत दूर है ये, बहुत बड़ा है, मेरे को लग नहीं था कि हम यहाँ पर पूरा घूम पाएंगे, क्योंकि काफ़ी थक चुके हूँ मैं तो, और भैया भी काफ़ी थक चुके हैं। क्या नितिन भैया यहाँ पर आओ तो बारिश के मौसम में आना, क्योंकि अभी धूप इतनी पड़ रही है हालत ख़राब हो जाएगी हम लोगों की। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो कि आप यहाँ पर एक छोटा सा तालाब, हालांकि पानी थोड़ा गंदा है लेकिन फोटोज़ के लिए अच्छा है, जैसे देखा तो भैया इधर देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, और इधर भी चारों तरफ देख सकते हो आप, इधर देखो इधर भी काफ़ी ग्रीनरी है, और इधर एक छोटा सा तालाब और है, और देख सकते हो यार काफ़ी अच्छा है, तालाब भी देखने लायक।
फोटोज वगैरह के लिए काफी अच्छा है, लेकिन आप कैमरा मत लेके आना, केवल फोन लेके आना, अच्छा सा आईफोन, और उसके अंदर फोटो मनाना। सो गाइस, फाइनली व्लॉग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और हम लोग नीचे आ चुके हैं और अब घर के लिए निकल रहे हैं। आई होप आप लोगों ने व्लॉग को एंजॉय किया होगा और मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।